हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो बेसिकली आज मैं मिस्टर हाइजन के साथ हूं, जो एक फुल स्टैक डेवलपर हैं और आई गेस प्रोग्रामर हैं। तो उनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, वो आपको बताएंगे प्रोग्रामिंग में यानी कि कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे आप एंटर हो सकते हो। तो मिस्टर हाइजन, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। हाय गाइस, माय सेल्फ मिस्टर हाइजन। जैसे कि अभी वलीद ने आपको बताया कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है वो प्रोग्रामिंग से 2 साल से है। बड़ा मैं 2 साल से कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर टच हूँ बड़ा, और मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड भी किए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी सारे किए हैं। लाइक कि मैंने सी शार्प के प्रोजेक्ट्स किए हैं, पाइथन के प्रोजेक्ट्स किए हैं, और बेसिक ज़्यादा जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो रिएक्ट जेएस और नॉट जेएस के अंदर आती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर बंदे के एक ड्रीम होता है कि उसने किसी न किसी लेवल पे पहुंचना होता है, तो उसके लिए वो हमेशा मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं, तो आपकी फील्ड क्या है, आपका वो कैरियर पाथ क्या है पड़ा, अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। लाइक अगर आपने जैसे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर हाइजन, बट मुझे आपसे यही सवाल पूछना था कि आपका इस चीज में इंटरेस्ट कैसे बना प्रोग्रामिंग में। मैं उस पर ही आ रहा हूँ। अब मेरा इंटरेस्ट कैसे बना, मेरा इंटरेस्ट इस तरह बना था कि जब मैं बेसिकली आया था ना आईटी के अंदर, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट की थी कि जैसे प्रोग्रामिंग हो रही है, ये कोडिंग है क्या, इसके पीछे है क्या। बेसिकली हर बंदे के लिए चाहिए होता है कि उसको ना पैसा कमाना होता है, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है। तो मेरा भी यही इसी ख्वाहिश रहता है कि मैंने भी पैसा कमाना है इसके इंडस्ट्री में। जब मैंने आगे प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी थी इसके अंदर, इसको करते हुए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप इसलिए हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में ना कुछ यूट्यूब से जैसे ट्यूटोरियल होते हैं वो देखे, वेब सर्चिंग्स की, उसके ऊपर मुझे जो चीज़ें कोड्स वगैरह मिले मैंने उसको जब रन किया ना, जब वो रन हुए मेरे हाथ से बने हुए, जब वो रन हुए तो एक अलग किस्म की ना सेटिस्फेक्शन मिलती है इंसान को। तो वो जो सेटिस्फेक्शन थी ना उसने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया कि मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूँ इस फील्ड के अंदर। एंड द जर्नी कंटिन्यूज ऑन, एंड नाउ आई एम वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर। All right, so that's really great. I mean, so let me just understand this. तो आपने यानी के जो प्रोग्रामिंग सीखी है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी से ही सीखी है, am I right? यस, नो डाउट, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ स्टडी। अगर आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करते, अपने एनालिसिस खुद नहीं करते, आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक फील्ड के अंदर ना कि क्या किस लिए आए हैं या किस लिए कहाँ तक जाएंगे, जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करते। Yeah, that's right. And I think self study is important too. Self study बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग self study नहीं करोगे तो वाकई आपको concepts वगैरह क्लियरेंस नहीं होती। तो मिस्टर हाइजन, let's say कि मैं प्रोग्रामिंग फील्ड में न्यू आना चाहता हूँ, और तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या चीज़ लर्न करूँ? आप मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस है 2 years का, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं सबसे पहले क्या चीज़ लर्न करूँ? यार सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लाइक अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो सबसे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप बात करते हैं ना वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो वेब डेवलपमेंट के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको पहले अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे अगर आप कोई लैंग्वेज पे कमांड रखना चाह रहे हैं, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामिंग के अंदर आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप C++ के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। C++ क्या करती है कि आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे बिल्ड करवाती है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना वो नहीं करवा सकती। प्रॉपर आपकी जो मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है ना वो सी लैंग्वेज है बड़ी। तो सी लैंग्वेज आपकी जो, हाँ बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, सी शार्प हो गई, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी उनकी बेसिक जो रूट होती है ना वो C++ से ही निकल रही है। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करें तो सबसे पहले आप सी लैंग्वेज को सीखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या आप इस फील्ड में सर्वाइव कर भी सकते हैं या नहीं। तो अगर आपने, हाँ मिस सॉरी मिस्टर हाइजन, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यानी कि कहते हैं कि आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो प्रोग्रामिंग में आते ही स्टार्ट पाइथन से करते हैं, तो वो सही पाथ चूज करें या नहीं? हाँ पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सी चीज़ें प्री डिफाइंड है, प्री बिल्ड चीज़ें हैं बड़ी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से उनको पाइथन स्टार्ट में नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि अब इसके कोडिंग डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि पाइथन में ना कुछ चीजें पहले से बनी बनाई पड़ी हैं और आपने सिर्फ उसको यूज करना है। जब तक आप अपने हाथ से वो चीज बनाओगे ही नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि कोड के पीछे क्या रन हो रहा है। अभी नहीं, बिगनर लेवल पे नहीं, लेकिन जब आप एक एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, उस टाइम जाके आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका कोड है क्या पड़ा, उसमें एरर्स कौन से हैं, डीबग कौन से हैं। ये एरर्स जो होते हैं ना प्रोग्रामर्स के लिए, वो बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स की तरह होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पाइथन नहीं, नो डॉट पाइथन इजी है, स्टार्ट करोगे इजी लगेगी, समझ लोगे, लेकिन जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है ना वो आप नहीं समझ पाओगे। जो आपकी बेस है, जो आपकी रूट है, जब वही स्ट्रांग नहीं होगी तो आप आगे कैसे मूव करोगे। आई थिंक दैट्स राइट। सो सबसे पहले तो यानी कि अगर मैं आना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मैं C++ को लर्न करूँ और उसके साथ कॉन्सेप्ट्स को लर्न करूँ। तो जी, सी प्लस प्लस है, यानी आइदर जावा, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी सी प्लस प्लस का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू जावा। जावा थोड़ी सी ना टिपिकल और मुश्किल हो जाती है। अब दोनों में बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़े भी होंगे, और अगर नहीं भी पता तो उसको सर्च कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट ना सी लैंग्वेजेस में भी और जावा में भी आते हैं। तो और जो आपकी इस टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री खड़ी है ना, इन उप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर खड़ी है, फाइल सिस्टम्स के ऊपर खड़ी है, या इन चीजों के ऊपर खड़ी है, तो उसके लिए आपको सी लैंग्वेज मेरे लिहाज से एज अ बिगनर सही रहेगी। सही। तो आपने ये बताया कि आपने मोस्टली सेल्फ स्टडी करके सीखा था, तो आप कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? अगर आप स्क्रीन शेयर करके रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब का चैनल है, कोई वेबसाइट जहाँ से आपने सीखा हो, कोई बुक्स हैं, तो वो आप रेकमेंड कर सकते हैं। जी, सी प्लस प्लस के कुछ रिसोर्सेज हैं, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा आपको, आप बेशक अपने चैनल के ऊपर लगा दीजिएगा। जो रिसोर्सेज हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम ये आ चुके हैं इसके ऊपर। अब देखो, हमने सी के बारे में ना अंडरस्टैंड करना है। ये बेसिकली ना W3Schools एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ना सी लैंग्वेज हो गई या HTML हो गया या कोई भी लैंग्वेज होगी ना, उसके बारे में प्रॉपर लैब्स प्रोवाइड करता है। अब मैंने जैसे सी प्लस प्लस सीखनी है, ये देखें इसके ऊपर ना सारा इंट्रो, गेट स्टार्टेड, सिंटेक्स कैसे होता है, आउटपुट कैसे होते हैं, कमेंट्स कैसे होते हैं, पूरा सी का जो कोर्सेज है ना वो पढ़े हैं पूरे। मतलब आपने पूरी सी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर पढ़े हैं। अब देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, उसके मुझे अब इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सी, इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है पढ़ी। अब हम आते हैं इसके सिंटेक्स के ऊपर, आप रीड कर लीजिएगा। हाँ, अब बेसिक सिंटेक्स है। अब मैं इसको जैसे यूज करता हूँ ना, एक सिंटेक्स को रन करके देखता हूँ, तो आपको सबसे बेस्ट अगर इस चीज है पड़ी इस वेबसाइट की, क्या कि वो आपको ना एक लैब प्रोवाइड कर देता है, एक ऑनलाइन एडिटर जिसके ऊपर ना आप अपना कोड को रन कर सकते हैं। अब देखिए, एक हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा कोड है, ये देखें और अगर। ये एक ऑनलाइन एक किस्म का हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग सिम्युलेटर है। यहाँ पे आराम से मैं कोड में चेंजेस करके प्रैक्टिस कर सकता हूँ चीज की। अब मैं आपको दिखाता हूँ मिस्टर हाइजन, अगर मैंने यहाँ टाइप किया ना सी प्लस प्लस के अंदर, तो ये ऑनलाइन एडिटर के ऊपर रन होगा, और ये देखें मेरा नेम शो कर रहा है। तो अब अपना पूरा कोड आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, जो जो आपने सीखना है इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल IDE वगैरह ये सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। तो आपको ये वेबसाइट बेनिफिट प्रोवाइड करती है, और इसके ऊपर प्रॉपर हर एक एक चीज के ना यूज पड़ा है कि हम सी के अंदर क्लासेस किस तरह यूज करते हैं, सी के अंदर फाइल सिस्टम्स कैसे होते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट वगैरह, और इसके अंदर जो डेटा टाइप्स होती हैं, लूप्स होती हैं, बोलियंस वगैरह, या जितनी भी आप प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट हैं ना, वो आप इसे सीख सकते हैं। और सिर्फ सी ही नहीं, सी प्लस प्लस ही नहीं, आप उसमें बूटस्ट्रैप, PHP, जावा, पाइथन, SQL, जावास्क्रिप्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस इस वेबसाइट पे पढ़ी है। अगर ये वेबसाइट नहीं आ रही, मतलब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप जा सकते हैं जावा पॉइंट, एक और वेबसाइट है जावा पॉइंट, ये वेबसाइट भी उसी की तरह काम करती है। इस पे भी रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज है पढ़ी, जैसे आर लैंग्वेज है, रिएक्ट JS है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे आके बेसिकली सी प्लस प्लस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, और हियर यू गो, यहाँ पे आपको सारा सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं। अगर मैं ऑपरेशंस खोलूँ सी प्लस प्लस के, तो आपको पता चल जाएगा कि सी प्लस प्लस में हम कौन से ऑपरेशंस को यूज करते हैं, और प्रॉपर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है कि आप ऑपरेशंस को यूज कैसे करते हैं। ये भी आपको ना एक CLI बेस्ड एडिटर प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर ना आप रन कर सकते हैं सी प्लस प्लस को या किसी भी लैंग्वेज को।
तो इस यानी तरह कि के ऑनलाइन ऑनलाइन लैब्स प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही हैं मुझे, बस ये है कि आप सेल्फ स्टडी पे मुझे फोकस करना चाहिए। तो जी इसके अलावा कोई यूट्यूब का कोई ऐसा चैनल या ऐसा रिसोर्स जो आप शेयर करना चाहें? YouTube का एक सेकेंड गाइस। अच्छा कुछ चैनल्स हैं बड़े, जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना है ना तो प्रोग्रामिंग विद मोश एक चैनल है, बड़ा इंग्लिश में वैसे ये इसके ट्यूटोरियल्स होते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है जो प्रोग्रामिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका ज़्यादातर जो वैसे एक्सपर्टीज रहती है ना वो सी शार्प के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, पाइथन के ऊपर, सी प्लस प्लस भी ऑल्दो इसने बनाई हुई है, लेकिन इसकी ये चीज़ें ना बहुत अच्छी होती हैं। और फ्री कोड कैम, हाँ ये बेसिकली एक बहुत बड़ा चैनल है बड़ा जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये आपको ना डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स के रिलेटेड, डिफरेंट कोर्सेज के रिलेटेड आपको ना इनफो पूरा एक ट्यूटोरियल बनाते हैं जिसके अंदर फुल आपको जैसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो भी करवाते हैं। अब जैसे इन्होंने एक देखें पाइथन का कोर्स आ गया 4 आवर्स का, जिसके अंदर पाइथन के कंप्लीट मॉड्यूल्स होंगे, पाइथन के बारे में बताया जाएगा, उसके अंदर पाइथन का एक दो प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो आपको करवाए जाएंगे। जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स है पढ़ा, HTML का कंप्लीट कोर्स है, इसी तरह इनका C++ का भी एक कंप्लीट कोर्स है पढ़ा। तो अगर आप सर्च करेंगे ना सिंपल फ्री कोड कैंप C++, तो आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये देखें 4 आवर्स का एक कोर्स आ गया जिसके अंदर कंप्लीट नॉलेज है पढ़ा इनका। तो अगर हम अगर आप लोगों को मुश्किल होती है इंग्लिश में, तो आप एक इंडियन यूट्यूबर हैं कोड विद हैरी, इनको फॉलो कर सकते हैं, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर्स आई नो टिल टू डेट इन हु मेक हिज कंटेंट इन उर्दू और इन हिंदी। तो इनकी प्रोग्रामिंग वीडियोस लिटरली बहुत ही अच्छी होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप एज अ बिगनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप एज अ इंटरमीडिएट लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इनका चैनल बहुत बेटर है इस चीज़ के लिए। तो ये कुछ चैनल्स थे, और बाकी जो कुछ चीज़ें होंगी वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ड्राइव के अंदर, या किसी भी तरह लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने बहुत सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दिए। तो अब मेरे ख्याल से कि जो लोग प्रोग्रामिंग लर्न करना चाहते हैं उनको कोई मेरे ख्याल से हर्डल फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मिस्टर हाइजन, लेट से कि मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो इसका आगे मुझे क्या फ़ायदा है, मतलब कौन कौन से इनकी जॉब रोल्स होते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब देखें सबसे पहले तो हम अपने जो IT इंडस्ट्री है या अपनी हमारी जो कंप्यूटर साइंस है उसको ही समझ लेते हैं कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं ठीक है, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई जैसे गाड़ी होगी या कोई बाइक होगी या कोई भी व्हीकल होगा, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई इंजन लगता है, इंजन होता है, उसके अंदर पेट्रोल होता है। तो इसी तरह भी आपके कंप्यूटर्स को चलाने के लिए अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर ही चलते हैं। हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बनाते हैं इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू। अब आपकी जैसे विंडोज होगी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, तो वो बेसिकली जो है ना C++ पे ही बनी हुई है। आप उसे कभी फ्रेमवर्क उठा कर देख लो, .NET का फ्रेमवर्क, वो C++, C# के फ्रेमवर्क आपको नजर आ रहे होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा वेबसाइट की तरफ ले जाओ, HTML, CSS, JavaScript, ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं आपकी कंप्लीट जो वेबसाइट है ना उसको बनाने के लिए। इनके अंदर से आपकी वेबसाइट्स वगैरह डेवलप होती हैं, जावा हो गई या कोई भी पाइथन लैंग्वेज हो गई या कोई और लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गई। इनको हम जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई वो बनती हैं, वो इसी से बनती हैं। मतलब जितने भी आपकी डिजिटल चीज़ें हैं पर जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हो गई, IoTs वगैरह हो गई, वो सारी जो है ना प्रोग्रामिंग से बन गई हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ जॉब रोल्स की। अब जॉब रोल्स कैसे होते हैं, प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बड़ी डेवलपर्स की है। वैसे हम बेसिकली जो प्रोग्रामर्स हैं उनको डेवलपर्स कहते हैं। डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी एक जॉब इंडस्ट्री है बड़ी, जिसमें आपके ना डिफरेंट जॉब्स होती हैं। अब एक तो होता है आपका डेवलपर जो कि कंप्लीट कोडिंग कर रहा होता है, जैसे C++ का मैंने आपको बताया, उसमें कोड लिख रहा होता है, कोडिंग कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। तो फिर एक उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक डिज़ाइनर, जो कि इस प्रोग्रामिंग के लिए ना आपका एक ग्राफिकल UI इंटरफेस डिजाइन कर रहा होता है। समझ रहे हैं कि मतलब एक ही इंडस्ट्री के अंदर दो बंदे होते हैं जो एक ही काम दो तरीके से कर रहे होते हैं, एक उसका ग्राफिकल इंटरफेस बना रहा होता है जिसको आप व्यू करते हैं, और एक उसके लिए पीछे उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो जो एक स्पेसिफिक चीज बन रही है उसका काम क्या है बड़ा। जैसे कि अगर कोई भी
डिजाइनर है या कोई भी प्रोग्रामर है बड़ा, तो वो एक GUI डिजाइन बना रहा है एक एप्लीकेशन का। हम एप्लीकेशन ले लेते हैं जैसे कि जूम एप्लीकेशन है। जूम स्टार्ट होती है तो उसका एक फर्स्ट पैनल नजर आता है हमें ऊपर, तो हमें उसके ऊपर कुछ बटन्स नजर आ रहे होते हैं, कुछ एक स्क्रीन वगैरह नजर आ रही होती है, लॉग इन पेज। तो अब ये एक डिजाइनर का काम होता है कि वो इस चीज को डिजाइन करता है। अब प्रोग्रामर का काम क्या होता है कि वो इसको बैठ के ना इसके पीछे फंक्शनैलिटी लगा रहा होता है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर कोई बंदा इस साइन अप बटन पे क्लिक कर रहा है तो वो उसके एक क्यूरी जा रही है पीछे, रिक्वेस्ट जा रही है कहीं और के वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और उसके उसके बदले उसको कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। तो इस तरह ना ये काम कर रहा होता है। अब डिफरेंट जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जॉब्स होती हैं, हम जॉब रोल्स की बात कर रहे थे। अब जॉब रोल्स के अंदर बहुत से जॉब रोल्स आ जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होता है, वेब डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब ये ना आपस में इंटर कम्युनिकेटेड होते हैं ये सारी जॉब जो है। अब इनमें और भी जॉब्स होती हैं तो हम बेसिकली इन्हीं जॉब रोल्स की बात कर लेते हैं। अब बेसिकली एक चीज जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जैसे हम लोग हैं C++ या सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, डिवेल्प कर लिया। अब सॉफ्टवेयर मीन्स हम कोई वेब एप्लीकेशन बना लें या हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लें या फिर हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लें। अब ये हमने एक एप्लीकेशन बना ली, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है ना, एक आता है सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। अब वो एनालिस्ट क्या कर रहा होता है कि जो हमने अपनी चीज बनाई है ना उसको चेक कर रहा है कि भाई क्या इसमें कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, क्या इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, क्या इसमें कोई बग्स तो नहीं है। वो पूरा हमारे कोड को चेक करेगा, एनालाइज करेगा। फिर उसके अंदर आ जाता है कि एक जो कंप्यूटर स्कैनिस्ट होता है वो क्या कर रहा होता है कि वो इन तमाम चीज़ों को ना मॉनिटर कर रहा होता है कि हमारा जो हम उसको डिप्लॉय करेंगे, एक सॉफ्टवेयर जो है ना हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं इंटरनेट पे, क्या ये सच में हमें वो प्रोडक्टिविटी दे रहा है या उसकी वो फुल फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो हम उसको रिक्वायर कर रहे हैं। तो उसके बाद एक वैसे उससे पहले आती है ये वाली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर रहा होता है कि ये ना हमारा कोई भी हम सॉफ्टवेयर डिवेल्प करते हैं तो उससे पहले ना ये उसके रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहा होता है। अब इनके जो जॉब रोल है ना एक दूसरे से मुख्तलिफ बिल्कुल डिफरेंट है, बड़े डेवलपमेंट के अंदर रहते हुए इनके जॉब रोल एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर रहा होता है कि कोई भी एक चीज बन रही है ना तो उस चीज के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, कोई चीजें कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मैंने कोई स्पोर्ट्स के हवाले से कोई वेबसाइट बनानी है या मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है स्पोर्ट्स के हवाले से, एप्लीकेशन बना के एंड्रॉयड पे चलानी है, जैसे प्ले स्टोर पे मैंने कोई चीज चलानी है वेबसाइट वगैरह या ऐप वगैरह देनी है उसको, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर ना एक हायर करूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो मुझे बताएगा कि अगर मैं ये ऐप बनाता हूँ इसके सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी इसके रिक्वायरमेंट्स के अंदर, के उसके अंदर आ जाएगा एक स्पोर्ट्स ऐप के अंदर के भाई आपकी हेल्थ डाइट के बारे में बताया जाएगा, आपके मसल्स के बारे में बताया जाएगा, आपके जो वेट बैलेंसिंग है बड़ा उसके बारे में बताया जाएगा, फिर डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाएगा। ये सारी वो रिसर्च करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसके बारे में, रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा, फिर वो देखेगा कि इसकी जो मार्केट है ना, मार्केट देखेगा मार्केट कौन सी हमने गैदर करनी है, कहाँ पे जा रही है, जो ऑडियंस होगी वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है बड़ी, डिफरेंट उसके पास मेथड्स होते हैं, वो इन चीज़ों को चेक कर रहा होगा इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर। जब वो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेगा वो फिर मीटिंग्स होंगी, प्रॉपर मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, फिर उसका एक डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, डिज़ाइन तैयार करने के बाद वो दिया जाएगा एक उसका एक प्रोटोटाइप डिवेल्प किया जाएगा। बेसिकली प्रोटोटाइप डिवेल्प करने के बाद ना फिर उसका एक बनाया जाता है एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, पूरा प्रोसेस होता है हम जब प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के अंदर देख रहे होते हैं सारी चीजें। तो दैट्स यानी कि गुड। सॉफ्टवेयर इसमें सिर्फ कोडिंग ही नहीं होती, आप बेसिकली दूसरी चीजें भी करते हो। हाँ जी, अब देखो अब एक प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जा रहे हो IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसका क्या काम होता है कि भाई आप जो बंदा आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे हैं पूरी टीम है पड़ी, एक डेवलपर अलग बैठा है पड़ा, डिजाइनर अलग बैठा है पड़ा, रिक्वायरमेंट इंजीनियर अलग बैठा है। अब IT मैनेजर क्या कर रहा है, इन सब से ना वो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, अपना टाइम भी मैनेज कर रहा है, अपनी कॉस्ट भी मैनेज कर रहा है, तो वो सारी मैनेज करके एक पूरा प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है एक तरह से, वो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। अब उसमें उसने ये देखना है कि भाई मेरी जो कॉस्ट है पड़ी प्रोजेक्ट, जो हमारा बजट अलॉट हुआ है वो कहीं हमारा ज्यादा तो नहीं हो रहा
या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं हो रही, जो फिर वो देखेगा कि हमने जो टाइम दिया था कस्टमर को या हमारा जो भी क्लाइंट है, पर हमने उसको दिया कहा था कि हम आपको 1 महीने के अंदर सॉफ्टवेयर रेडी करके देंगे, क्या मेरा टाइमलाइन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो प्रॉपर मतलब आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो हर एक डिफरेंट जॉब रोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि भाई हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हो, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हो, हमारे पास जो डेवऑप्स वगैरह के इंजीनियर्स या क्यूए इंजीनियर्स भी हो, ताकि इस चीज़ को, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि आपकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट है ना उसको कम कर रहे होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के लिए ये जरूरी होता है कि उसको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं कि वो अपनी कॉस्ट को कम से कम कर पाए। तो यह इस चीज़ के लिए जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग के अंदर ज़्यादा एक्सपर्टीज आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती नो इशू, आप इन चीज़ों की तरफ मूव कर सकते हो जिसमें प्रॉपर आपकी एक बहुत अच्छी जॉब रोल्स हैं, सैलरीज बहुत हाई पेइंग सैलरीज होती हैं इनकी, असल में रेवेन्यू तो ये जनरेट कर देते हैं कोई कंपनी का, इनकी जॉब्स वगैरह भी बहुत अच्छी होती हैं अगर आप मूव करना चाहें तो, जिसको अगर कोडिंग में थोड़ा सा इश्यूज हैं पड़े तो उन जॉब्स की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी कि आप, अगर मैं कोडिंग नहीं करना चाहता तो मैं दूसरी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए लाइक रिपोर्टिंग पे जा सकता हूँ, मैं इन रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकता हूँ। तो यानी कि सिर्फ एक नहीं है जॉब, उसमें मल्टीपल जॉब्स हैं, राइट? मल्टीपल जॉब्स हैं। अब ये आप डिपेंड करता है कि आपने उस जॉब को एक्सप्लोर करना है, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है कोडिंग अच्छी है तो आप डेवलपिंग साइड पे आए, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, अगर आपको लग रहा है कि आप ना अपने एंड पे रह के कोई अच्छी प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं या उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा व्यूज दे सकते हैं तो आप वो देंगे। अब डेवलपर के इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती है, आपने सिर्फ डेवलपर से उसकी रिक्वायरमेंट्स गेट करनी है और अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से कोई चीज़ प्रपोज करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो तो। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। यानी कि जिन लोगों को लगता है सिर्फ कोडिंग ही होती है, उन लोगों को आप पता लग गया होगा कि भाई इसमें सिर्फ कोडिंग ही नहीं होती, कि यानी कि कंपनी में सिर्फ आप कोडिंग के तौर पर ही काम कर रहे होते हो, आप यानी कि दूसरी चीज़ों को भी देखते हो। लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, फिर उसमें मैनेजिंग होती है, फिर उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में हो रही होती हैं। चीजें होती हैं। अब इनमें बहुत बड़ा एक रोल आ जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स का, और डिजाइनर इनके प्रॉपर इनके पास डिजाइनिंग टूल्स होते हैं जो उसके ना यूजर इंटरफेस और यूएक्स डिजाइनिंग जो होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अब वो जब तक आपको यूजर इंटरफेस वगैरह डिजाइन करके नहीं देंगे, अब डिवेलपर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के ऊपर, तो उनके ईज के लिए वो आ जाते हैं करने के लिए, तो कंपनी उनको भी हायर करती है और बहुत हाई पेइंग जॉब होती है उनकी भी अगर वो उनको हायर करती है तो। Okay, I think that's great, and I have to talk to you about so much, and I wanted to talk to you about the full stack developing and mid stack developing and DevOps stuff, but I think I gotta go now because Zoom is ending its meeting soon. So I think that was a great talk, and most logo ko yani ke un logo आंसर मिल गए होंगे कि भाई जॉब रोल्स प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, आप प्रोग्रामिंग करके कहाँ जा सकते हो, और आप लोग यानी कि क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कहाँ से लर्न कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। तो आई थिंक बहुत सारे जो चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। तो थैंक यू मिस्टर हाइजन फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर मी एंड गिविंग योर एक्सपीरियंस टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। Thank you so much, Billy, Mr. Ben Cypher. Okay, I guess I'll see Mr. Heisen very soon. I'll see you very soon because I can't wait to talk to you about the DevOps and mid stack and full stack developing stuff. That would be great. That would be great. Inshallah, we will talk about that. All right, Mr. Heisen. I hope I just wish you a lot of happiness, and bye.